देवानां येन तृप्यन्ति देवता सनो भवतु सुप्रेतो लोकनाथो हुतासनां कल्याणदात्रे कल्याणी सर्वै कर्म पपौरणि अवनस्य फल प्राप्ते पूर्णाहुत्यै नमो नमः। यज्ञ पुरुष भगवान को जेनेटिक है साहब। अरे मेरे गर्दन को धड़ से अलग कर दोगे तो भी हर हर महादेव ही बोलेगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई दूसरा धर्म जिसको बोलते हैं आजकल खुद को खुदा बताने लगे, राम तो हैरान है, मंदिर और मस्जिद के झगड़े में पूरा वतन लहूलुहान है। कोई खुद को राम कह रहा है, कोई खुद को राम रहीम भी कह रहा है, लेकिन खुद को खुदा बताने लगे, कोई खलीफा बनने को बेचैन है, कोई लिहाफ बदलने को बेचैन है, एक बार जरा गौर से देख लो तेरा प्रभु तेरे दिल में कहाँ है। जो धर्म के नाम पर हिंसा और हैवानियत को फैलाने वाले लोग हैं,
जब मुझसे एक बार संवाद होने लगा तो मैंने इतना ही निवेदन किया कि साहब, कोई भी भगवान किसी भी धर्म का क्यों ना हो, जन्म लिया है तो शस्त्र के साथ जन्म, इवेन पैगंबर मोहम्मद साहब की ही अगर मैं बात कर लूं, कहीं वो शस्त्र उठाए क्या, उनके हाथ में शस्त्र रहा क्या, नहीं रहा। बुद्ध के हाथ में शस्त्र रहा क्या, महावीर के हाथ में शस्त्र रहा क्या। एक सोच सनातन धर्म है। राजा हिमाचल के यहां बड़ा आनंद हो रहा है, बड़ा उत्सव हो रहा है, लेकिन देश काल परिस्थिति के मुताबिक एक बेटी को विदा होना ही पड़ता है। राजा हिमाचल आज भगवान भोले शंकर के सामने उपस्थित है। भगवान भोले शंकर के सामने उपस्थित ही नहीं है, हाथ जोड़ करके आज भगवान से कह रहे कि हे प्रभु, तुम पूर्ण काम हो, दाइज दिन बहुत। आज बहुत तरीकों से दहेज दिया जा रहा है, लेकिन लोग बोलता है शास्त्र की बात, किस बात, शास्त्रों में भी दहेज लेने की बात कही गई है, लेकिन मैं आपको सत्य बात बताऊं, दहेज विवाह के बाद पिता देता है। कहां दहेज है, लेकिन आज दहेज के दानों और भेड़ियों ने बेटी को जिंदा जलाना शुरू कर दिया। बरबस हमारी आंख में आंसू आ जाते हैं। वेद मंत्रों के सामने संकल्प लेने वाले, वेद मंत्रों के सामने हाथ पकड़ने वाले आज पुरुष, और अपनी पत्नी पर प्रहार करना शुरू करते हैं दहेज के खातिर। तुम्हारे बाप ने क्या दिया साहब, आपके पैसे बैंक में सड़ जाएंगे, आपके पैसे कोई चुरा करके लेके चला जाएगा। पैसा कभी वंश पैदा नहीं कर सकता। अगर वंश कोई पैदा करेगी तो वो एक स्त्री ही होगी जिसे आप अपनी पत्नी कहते हैं। पैसा कभी पैसे पर पैसे के रख दो तो अगला दिन पैसा पैदा नहीं हो सकता, लेकिन आप घर की स्त्री को सही ढंग से रखते हैं तो उसके घर में, आपके घर में एक नन्हा सा मेहमान का आगमन होता है। लेकिन आज व्यक्ति उस दहेज की खातिर बेटी को जिंदा चला देता है। आज राजा हिमाचल भी भगवान भोले शंकर के पास हाथ जोड़ करके खड़े कहे कि दाई दीदी, मैं क्या आपको दहेज दे सकता। भगवान भोले शंकर राजा हिमाचल को आश्वस्त करते हैं, कोई बात नहीं है, ये पार्वती की तपस्या है तभी मैं आपके सामने में हूं, ये प्रेम की तपस्या है तभी मैं आपके सामने में हूं। अगर पार्वती के प्रेम की तपस्या नहीं होती तो मैं आपके सामने कतई नहीं होता। ये बात मां मीना को पता चली कि मेरी बिटिया मुझसे अलग होगी। सत्य बात बताओ कि पिता कुछ देर के लिए निरंकुश हो सकता है, लेकिन एक मां होती है, वो अपनी बेटी को अपने से अलग कैसे होना देना चाहेगी।